सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। Rishto.com, इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असा वट फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिन, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना आयो, असा सा हजारे सिंधी परिवार जोड़ेल आहिन। पेड मेंबर्स जे लाए फ्री रिश्तो मीट, एक कॉन्फ्रेंस रूम, वो भी रिफ्रेशमेंट सा गड, तपो इंतजार छाजो, खणो फोन ए कांटेक्ट कयो। Rishto.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चांदवानी स्वच्छगिरी फाउंडेशन फाउंडर, आज 5 मार्च को हमने नो पोल्यूशन डे सेलिब्रेट किया है, जहां पर हमारे जो चीफ गेस्ट हैं डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डॉक्टर सुभाष यादव जी, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के थे जो, वो आए थे, और हमारे साथ दिलीप फुल पगारे सर जो सीनियर पी आई उल्लासनगर पुलिस स्टेशन से, संजय गायकवाड़ जी सीनियर पी आई जो विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन से, वो आए थे गेस्ट के रूप में। एसीपी सर आने वाले थे लेकिन उनकी अर्जेंट मीटिंग थी, लेकिन आज हमारा जो प्रोग्राम था बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं सारे एनजीओ का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे साथ रमेश आहूजा जी हैं, बाकी सारे एनजीओ जो आए थे मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। एसएसटी कॉलेज का धन्यवाद करता हूँ, महानगर पालिका का धन्यवाद करता हूँ, सिटी पुलिस का धन्यवाद करता हूँ। इन सबके जरिए हमने 5 मार्च को नो पोल्यूशन डे मनाया है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी भी प्रतिज्ञा ले। आज हमने सबने प्रतिज्ञा ली है कि हम सड़क पर कचरा नहीं डालेंगे, हम अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे। वैसे आप भी प्रॉमिस करें इस न्यूज़ माध्यम के जरिए, न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ, वो भी आए, इनके माध्यम से ही हम मैसेज पहुँचा सकते हैं। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सड़क पर कचरा न डालें, नो पोल्यूशन डे सेलिब्रेट करें 5 मार्च को, और उसके बाद हमेशा से आप इसको अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5 मार्च के उपलक्ष्य में हमने एसएसटी कॉलेज में स्वच्छगिरी फाउंडेशन की ओर से एक स्वच्छता अभियान का नो पोल्यूशन डे के अवसर पर हमने एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में बहुत सारे एनजीओज ने समाविष्ट होकर इस कार्यक्रम का अच्छी तरह से आयोजन करके यशस्वी बनाया है। महानगर पालिका की ओर से हमारे महानगर पालिका के आयुक्त महोदय अजीत शेख साहब और हमारे अतिरिक्त आयुक्त शहर और अतिरिक्त आयुक्त सेवा, ये दोनों के मार्गदर्शन में हमने महानगर पालिका की ओर से शहर में वायु प्रदूषण और कचरा प्रदूषण के बारे में बहुत सारे उपाय योजना हमने की है। लेकिन केवल महानगर पालिका का ही ये दायित्व तो नहीं बनता है कि हमारा शहर स्वच्छ रखे, जब तक हमारा हरेक प्रत्येक नागरिक इसमें सम्मिलित न हो और स्वच्छता के बारे में जागरूक न हो, तब तक हमारे सारे प्रयास कमज़ोर पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे सारे शहरवासियों से ये विनंती है और आह्वान है कि इस मुहिम में आप सम्मिलित हो, अपने प्रतिष्ठान के सामने, अपने दुकानों के सामने डस्टबिन रखें, और जब भी हमारी गाड़ी आती है वो गाड़ी में ही हम वो कचरा दें। हमारा कचरा लेने वाले, क्लीन करने वाले लोग आएंगे, आप उनके हाथों में वो डिब्बा दें, ताकि वो हमारे पर्याप्त जो गाड़ियां हमने दी है उस गाड़ियों में वो कचरा ढो के डंपिंग ग्राउंड तक लेके जा सके। लेकिन ये देखा जाता है कि लोग रास्ते पर फेंक देते हैं। हमें डस्टबिन फ्री सिटी बनाना है, बिन फ्री डिफ्रिटी बनाना है। हम आगे से कुछ दिनों में आप देखेंगे कि हम सड़कों पे डस्टबिन नहीं रखेंगे, बिन फ्री सिटी बनाने की वजह से। इसलिए हमें ये आह्वान है सभी प्रतिष्ठानों को और फ्लैट में रहने वाले रहवासियों की कि आप घर, हर एक प्रत्येक घर में हमारा स्वच्छता कर्मी आएगा, उसके हाथों में ही वो कचरे का डिब्बा थमाइए और अपना शहर स्वच्छ व सुंदर बनाने में कामयाबी बनाइए। इसलिए महानगर पालिका की ओर से मैं आपसे विनती करता हूँ। थैंक यू। क्लीनलीनेस इज अ गेम ऑफ आवर माइंड। जब तक अपने माइंड से ये सोच नहीं आएगी तब तक इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आप लोगों को खाली एक ही करना है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहेगी उसको आपने खाली कोऑपरेशन भी किया तो भी काफ़ी होगा हमारे लिए। ये खाली स्वच्छगिरी फाउंडेशन का जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक इंडिविजुअल का काम है। अपने घर से, अपने परिवार से, अपने एरिया से आप चालू करेंगे, फिर शहर, गाँव, मोहल्ला और फिर सिटी, ऐसा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आगे आगे बढ़ता जाएगा। अपने माइंड से स्टार्ट करना है। ये एक आज 5 मार्च रोजी स्वच्छगिरी फाउंडेशन आणि एसएसटी कॉलेज च्या अनुषंगाने त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी प्रदूषण आणि स्वच्छता यावर जे एसएसटी कॉलेजचे जे मुलं आहेत, विद्यार्थी आहेत आणि बाहेरच्या कॉलेजचे काही विद्यार्थी आले होते या ठिकाणी, पथनाट्यद्वारा आपल्याला ते स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून दिलं त्यांनी। अतिशय स्तुत्य उपक्रम होता एसएसटी कॉलेज आणि स्वच्छगिरी फाउंडेशनचा।
जर आपण घरामध्ये जर स्वच्छता राहिली स्वच्छता ठेवली तर आपण समाजामध्ये त्याची रस्त्यामध्ये जे घाण होते त्याला जर आपण कंट्रोल केलं तर आपण त्याची सुरुवात आपण घरातून सुरुवात करूया. म्हणजे घरातली महिला असतील पुरुष असेल बऱ्याच वेळा आपण बघत असतो की घरातल्या खिडकीतून सुद्धा कचरा बाहेर टाकला जातो उष्ण अन्न बाहेर टाकलं जातं. तर याच्यावर कुठंतरी कंट्रोल आला पाहिजे. तर या मीडियाच्या माध्यमातून एन जी ओच्या माध्यमातून जे आपल्याला लोकांमध्ये जी जनजागृती केली पाहिजे ती या माध्यमातून जनजागृती करणं फार गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे रस्त्याने जातानाही लोक रस्त्याने सिगरेट पितात सिगरेट रस्त्यावर टाकून देतात पान खातात कवर बाहेर टाकून देतात. तर ह्या सगळ्यांना आळा बसला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला बॉटम टू टॉप असे प्रयत्न करणे फार गरजेचं आहे. हे स्वच्छता अभियान हे राष्ट्रपातळीवरती देशपातळीवरती हे अभियान यापूर्वीच राबवण्यास सुरुवात केलेली आहे. सन 2014 हे अभियान राबवले जात आहे देशपातळीवरती. त्याचं उद्घाटन आपले देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी सरांनी केलेलं आहे राजघाटावरती. तिथून त्यांनी स्वच्छतेचे धडे द्यायला सुरुवात केलेली आहे आणि आपण त्याच्यातून नक्कीच बोध घेणं खूप गरजेचं आहे. त्यांना माहिती आहे की आपण जर सुरुवात केली देशपातळीवरून जर असा मेसेज जर दिला तर त्याचा उपयोग की त्याची सुरुवात राज्यामध्ये होईल आणि याची सुरुवात हे आपले महापालिकेचे कर्मचारी अधिकारी असतील त्याच्या माध्यमातून ही सुरुवात केलेली आहे. तर आपण सर्वांना आवाहन करू सगळ्या जनतेला आपण आवाहन करू की आपलं घर आपला परिसर आपलं शहर हे स्वच्छ ठेवण्यापासून आपण स्वतः पहिल्यांदा तयारी केली पाहिजे. हे काम फक्त महापालिकेचं नाही आहे तर प्रत्येकाचं काम आहे. आणि जोपर्यंत आपल्याला हृदयापासून वाटत नाही की आपलं शहर स्वच्छ व्हावं तोपर्यंत आपलं शहर स्वच्छ होणार नाही. त्याची सुरुवात आपण प्रत्येकाने करूया. माझं सर्व एन जी ओजला आणि मीडियाला आव्हान असेल की तुम्ही देखील आव्हान करा सर्व जनतेला आव्हान करा की स्वच्छता ठेवा कुठल्याही प्रकारचा कचरा करू नका आणि स्वच्छता राहिली तर आपलं आरोग्य चांगलं उत्तमरित्या राहील. धन्यवाद. थँक्यू. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.